स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट होता क्या है, फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, फाइनल अकाउंट का पर्पस क्या है, ये सारी चीजें देखी और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में होना चाहिए था, बट लास्ट लेक्चर में स्लाइड मिस हो गया। आप देख लो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से आइटम जाते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारे आइटम्स वहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ओके, आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट निकालो और बाद में नोटबुक में लिखो। अगर कोई भी एंट्री में आपको दिक्कत रहेगी, कोई भी एंट्री में आपको दिक्कत रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दोनों चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। कौन सी दोनों चीजें? ये दोनों चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। जैसे कि एक जगह पे ऑफिस दिख रहा है और एक जगह पे सेलिंग एक्टिविटी चालू है, रिटेल शॉप आप लोगों को दिख रहा है। तो जब जब आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, जब जब आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस रिलेटेड और सेलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज का एंट्री होगा। मतलब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन गया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का एक्टिविटी वो चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। फिनिश गुड्स बन गया, उसके बाद में कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी रहेगा, उसके लिए जो भी खर्चे लगेंगे, ऑफिस के जो भी खर्चे लगेंगे, वो सारे कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के पीछे पर्पज क्या, अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डैश डैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डैश डैश अकाउंट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या आंसर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों बच्चे लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है? रीजन बच्चे लोग याद रखो कि डेबिट साइड में वहां पे क्या दिखते? सारे एक्सपेंसेस दिखते। और क्रेडिट साइड में सारे क्या दिखते? इनकम्स दिखते। डेबिट साइड में सारे क्या दिखेंगे? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स दिखते। नॉमिनल अकाउंट का बेसिक रूल, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में लॉस, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, ये सारी चीजें वहां पे दिखती है। ओके, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट ट्रेड किया जाएगा। सेकेंड रीजन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है। आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा, वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद में जो फर्दर ऑफिस एंड सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, वो भी कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन टोटल एक्सपेंसेस वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं और टोटल इनकम वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। जब आप इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो आपको प्रॉफिट वहाँ पे पता चलेगा। क्या पता चलेगा? बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता चलेगा वहां पे। क्या चलेगा? बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट वहां पे पता चलेगा। देन जैसे मैंने पहले बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ऑफिस एंड सेलिंग रिलेटेड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या? एक प्रोडक्ट को देखने के बाद में हम लोग दिमाग में जो जो एक्सपेंसेस दिखेंगे, जो जो एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेसेबल रहते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉन ट्रेसेबल रहते हो, जल्दी ट्रेस होते नहीं ये। जब तक हम लोग एक्चुअल देखेंगे नहीं एक्सपेंसेस, तब तक हम लोग को पता नहीं चलता। आगे बच्चे लोग, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम रखे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगेन आप लोग नोट डाउन करोगे, यहाँ पे दिखेंगे आप लोगों को सारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखेंगे, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखेंगे। सारे एक्सपेंसेस कौन से दिखेंगे? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखेंगे, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखेंगे। बच्चे लोग कोई टफ काम नहीं है, एकदम इजी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको सारे आइटम्स याद रहेंगे। तो देखने के बाद बच्चे लोग डर जाते हैं, इतने सारे आइटम याद रखना है? जरूरत नहीं है। एक बार रीड करो, एक बार लिखो, ओके, उसके बाद फिर से रीड करो, सारे आइटम्स अच्छे से याद रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जाओगे, वहाँ पे एक एक आइटम को अप्लाई करते जाओगे, तो और अच्छे से समझेगा। डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी पार्ट है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा? तो सारे आइटम्स वहाँ पे लिखे। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? वो सारे आइटम्स वहाँ पे रखे, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और लिख लो अच्छे से। ये चीजें लिखनी जरूरी है, जब तक नहीं लिखोगे तब तक आएगा नहीं। लिखोगे तो सीखोगे,
याद रखो, लिखोगे तो सीखोगे। आगे बढ़ते हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। बच्चे लोग लास्ट ईयर आप लोगों ने बैलेंस शीट के ऑलरेडी छोटे से कंसेप्ट पढ़े हैं, थोड़े थोड़े कंसेप्ट पढ़े हैं। आप लोगों ने सिंगल एंट्री चैप्टर किया रहेगा या फाइनल अकाउंट किया रहेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा तो अंदाजा आया रहेगा कि फाइनल बैलेंस शीट बनता कैसे है। बच्चे लोग बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है असेट साइड, एक होती है लाइबिलिटी साइड। अगर बिजनेस का असेट साइड ज्यादा रहेगा, लाइबिलिटी साइड कम रहेगा, इसका मतलब समझने का कि बिजनेस हमारा पॉजिटिव है। बिजनेस में हमारा जो भी खुद का पैसा है, बिजनेस में जो भी कैपिटल है वो अपना पॉजिटिव कैपिटल है, मतलब बिजनेस सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट समझता है, सॉल्वेंट पैसे वाला। ओके, मतलब अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है। प्रॉपर्टी ज्यादा, लाइबिलिटी कम। प्रॉपर्टी ज्यादा, लाइबिलिटी कम, इसका मतलब मेरा असेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है। मतलब मुझे कर्जा कम पेड करना है बट मेरा असेट ज्यादा है, ऐसा समझेगा बिजनेस सॉल्वेंट है। अभी इनसॉल्वेंट कब रहेगा? अपोजिट, कर्जा ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है, समझने का इंस्टॉलमेंट है। ओके, बिजनेस की बैलेंस शीट बनाने के लिए पर्पस रहता है कि बिजनेस में हम लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, बिजनेस सॉल्वेंट है, इंस्टॉलमेंट है, बिजनेस में नेटवर्क काफी अच्छा है क्या, लो है, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है, इसलिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट में बेसिकली रिकॉर्ड क्या होता है, बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। अभी असेट्स मतलब क्या? तो असेट मतलब व्हाट यू ओन, आपके खुद का क्या क्या है, आपकी प्रॉपर्टी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें असेट में रिकॉर्ड होगी। उसके साथ साथ में असेट में आपको जो पैसा आने वाला है, आपको जो पैसा आने वाला है, आपको जो पैसा बाहर से, बाहर के लोगों से मिलने वाला है, मतलब बाहर के लोगों ने आपसे उधारी लिया या पैसा लिया है, तो उनकी तरफ से जो पैसा आने वाला है वो सारी चीजें असेट में रिकॉर्ड होगी। तो बच्चे लोग असेट में सिंपल क्या रिकॉर्ड होगी, असेट में आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी और आपके जो भी रिसीवेबल्स रहेंगे वो असेट में रिकॉर्ड होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। असेट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, आपकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, असेट में रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होगी। अभी लाइबिलिटी मतलब क्या? व्हाट यू ओ, व्हाट यू बोरो, आप लोगों ने कर्जे पे क्या क्या लिया है, आपका कर्जा कितना है, मतलब लोन वहां पे रिकॉर्ड होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका कोई एक्सपेंसेस पेड करने का बाकी रहेगा वो वहां पे दिखेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को कहाँ पे दिखेगी? लाइबिलिटी साइड में दिखेगी, मतलब इन शॉर्ट कर्जा, लोन्स, ऑल टाइप्स ऑफ लोन वहां पे रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद में इक्विटी, इक्विटी मीन्स कैपिटल, इक्विटी को दूसरा नाम कैपिटल भी रहता है, मतलब व्हाट यू गेट, जो एक्चुअली आपका है, जो एक्चुअली आपका है। तो वहां पे देखेंगे असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट का अमाउंट उतना ही रहेगा जितना आपका लाइबिलिटी और कैपिटल का अमाउंट रहता है। कैपिटल लाइबिलिटी एक साइड में दिखेगा, एक साइड में असेट दिखेगा, दोनों अलग अलग जगह पे दिखेंगे। इक्वल के ओ साइड का अलग जगह भी दिखेगा, इक्वल के ए साइड का अलग जगह भी दिखेगा, दोनों का कॉलम अलग अलग बनेगा, दोनों का कॉलम अलग अलग बनेगा, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनेगा, एक जगह पे लाइबिलिटी, एक जगह पे असेट। ओके, अभी बच्चे लोग देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या क्या जाएगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको सारी प्रॉपर्टीज, सारे असेट्स दिखाने, फिक्स असेट, करंट असेट, सारे असेट्स दिखाने। फिक्स असेट में टेंजिबल असेट्स भी दिखेंगे, इनटेंजिबल असेट्स भी दिखेंगे, दोनों दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे बच्चे लोग? टेंजिबल असेट्स दिखेंगे, इनटेंजिबल असेट दिखेंगे, दोनों असेट दिखेंगे वहां पे। टेंजिबल असेट भी दिखेंगे, इनटेंजिबल। करंट असेट में क्विक असेट भी दिखेंगे, नॉन क्विक असेट भी दिखेंगे, क्विक असेट भी दिखेंगे, नॉन क्विक असेट भी दिखेंगे, मतलब इन शॉर्ट सारे असेट्स वहां पे दिखने वाले हैं, सारे असेट्स वहां पे दिखने वाले हैं। अभी लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा? हर टाइप का कर्जा जाएगा, हर टाइप का कर्जा, हर टाइप की लाइबिलिटी जाएगी, हर टाइप का कैपिटल का बैलेंस जाएगा। कैपिटल का अगर, कैपिटल और करंट का अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो वहां पे ही दिखने वाला है, हर एक टाइप की लाइबिलिटी वहां पे जाएगी। अगर बिजनेस का कोई रिजर्व रहेगा, कोई फंड रहेगा, वो भी वहां पे दिखेंगे। अगर रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कोई रहेगा तो वहां पे दिखने वाला है, कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। हम लोगों ने अब तक प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझा, अब तक हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में समझा, अब तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझा। जो फोर्थ अकाउंट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। बच्चे लोग पार्टनर्स कैपिटल और करंट ये अकाउंट बनते कब है, कौन से मेथड के अंदर ये दोनों अकाउंट बनाए जाते, हम लोगों को वो अभी समझ के लेना है। ओके, देखो वैसे कैपिटल के दो मेथड है, मेथड ऑफ कैपिटल, कैपिटल के दो मेथड है, नंबर वन फिक्स कैपिटल मेथड, नंबर टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स फ्लक्चुएट, फिक्स फ्लक्चुएट, फिक्स फ्लक्चुएट, याद रखो फिक्स फ्लक्चुएट, याद रखना। फिक्स कैपिटल मेथड कब कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के दिया होगा, अगर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल के साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के दिया रहेगा, तो समझने का फिक्स कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, तो समझो बच्चे लोग वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहेगा। अरे इसको फिक्स कैपिटल मेथड और इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही क्यों बोला जाता है? फिक्स कैपिटल मेथड में ऑलवेज पार्टनर्स का कैपिटल कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। मतलब 2015 में अगर उसका कैपिटल 1 लाख रुपीज दिखेगा तो 2016 में भी 1 लाख दिखेगा, 2017 में भी 1 लाख दिखेगा। तो फिर सर हम लोग को लास्ट ईयर में तो समझाया था अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो कैपिटल में ऐड करो, लॉस हुआ रहेगा तो कैपिटल में से लेस करो, बरोबर। तो बच्चे लोग इसीलिए एक करंट अकाउंट बनाया जाता है जहां पे अदर देन कैपिटल में जो जो एंट्रीज होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। मतलब कैपिटल को मुझे हिलाना नहीं है, कैपिटल का अमाउंट मुझे चेंज करना नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस की वहां पे एंट्री करूंगा तो कैपिटल के अमाउंट चेंज हो सकती है, अगर मुझे मगर मुझे चेंज करना नहीं है तो चेंज ना करें। इसलिए सारी एंट्रीज कैपिटल के अलावा जो भी सारी कैपिटल में होने वाली सारी एंट्रीज कहाँ पे करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे, इसलिए वहां पे करंट अकाउंट बनाया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब उनका कैपिटल चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होगा? प्रॉफिट आया तो ऐड करो, लॉस आया तो लेस करो, एक्सपेंसेस आ रहेंगे तो सॉरी पार्टनर सैलरी पे लेके जाता रहेगा तो उसके कैपिटल में ऐड करो, कमीशन लेके जाता रहेगा तो ऐड करो, ये सारी चीजें की वजह से उनका कैपिटल चेंज होता रहता है। क्या होता है? कैपिटल चेंज होते रहता है, बरोबर। इसलिए उनका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसलिए उसका नाम क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर? फिक्स कैपिटल मेथड समझा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझा। यहाँ पे आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, डेबिट साइड में सार ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अगर डेबिट बैलेंस रहेगा वो दिखेगा, अगर ड्रॉइंग किया रहेगा वो गुड्स का हो सकता है या कैश का हो सकता है वो वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, डेबिट साइड में ड्रॉइंग दिखेगा, डेबिट साइड में उसका इंटरेस्ट दिखेगा ड्रॉइंग का। अगर ड्रॉइंग डेबिट साइड में गया तो इंटरेस्ट भी डेबिट साइड में जाएगा, अगर लॉस हुआ रहेगा तो लॉस भी डेबिट साइड में दिखेगा, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखेगा। अभी डेबिट साइड में क्या दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ओके, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो वहां पे दिखेगा। देन अगर आप लोगों ने कुछ कैश डाला है बिजनेस में, कैश इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल रहेगा, वो भी क्रेडिट साइड में दिखेगा। जिस जिस रीजन के वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने वाला है, जिस जिस रीजन के वजह से पार्टनर्स का वैल्यू बढ़ने वाला है, वो सारे आइटम्स का आप दिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल क्रेडिट में जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में जाएगा बच्चे लोग। अगर पार्टनर को हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं वो भी क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर को हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं वो भी क्रेडिट में जाएगा। अगर हम लोगों बिजनेस में प्रॉफिट हुआ रहेगा तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं, मतलब कैपिटल का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में जाने वाला है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट, उसके जैसा को पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट दिखेगा। सिर्फ यहाँ पे कैपिटल की एंट्री करने की नहीं, बाकी सब एंट्री करने की, कैपिटल की एंट्री डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में करने की, और करंट अकाउंट में बचे हुए सारे एंट्रीज आपको करनी है। तो सिमिलर एक कैपिटल जैसा एक करंट अकाउंट रहेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छी तरह से समझने वाला, डोंट वरी। समझ में आया? आगे बच्चे लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व कैसे करने का, मैंने जैसे पहले समझाया फाइनल अकाउंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, से दो चीजों का कॉम्बिनेशन, बरोबर। क्वेश्चन में हम लोग को दोनों चीजें दी जाएंगी, तो सॉल्व कैसे करना है? ट्रायल बैलेंस की सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट देनी है, मतलब एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, मतलब चारों अकाउंट में किधर तो सिर्फ एक जगह पे जाने वाला है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया रहेगा तो वो अकाउंट में डेबिट साइड में ही जाने वाला है, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, एक तो असेट साइड में, असेट साइड को डेबिट बैलेंस होता है। मगर इसका मतलब क्या, अगर ट्रायल बैलेंस में
अगर ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड में दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड में दिख रहा है, तो उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में ही होने वाला है। एक तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में या असेट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई तो आइटम क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में या लाइबिलिटी साइड में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, लाइबिलिटी साइड में या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। मतलब जाएगा इफेक्ट तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, याद रखो ये चीजें। ओके, अगर हिडन एडजस्टमेंट रहेगी तो अगेन उसका दो इफेक्ट होने वाला है, मतलब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते? दो। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते? दो। ट्रायल बैलेंस में अदर देन हिडन एडजस्टमेंट सबका एक एक इफेक्ट जाएगा, और जब जब एडजस्टमेंट की बात करेंगे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाएंगे। बच्चे लोग दो इफेक्ट कैसे जाएंगे? अगर एक इफेक्ट डेबिट में गया तो दूसरा जाएगा क्रेडिट में, एक क्रेडिट में गया तो दूसरा जाएगा डेबिट में। डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, मतलब एक डेबिट में गया तो दूसरा क्रेडिट में, एक क्रेडिट में गया तो दूसरा डेबिट में, एक डेबिट में गया तो दूसरा क्रेडिट में, एक क्रेडिट में गया तो दूसरा डेबिट में, ऐसे करके फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा पार्ट बचा हुआ एडजस्टमेंट का, तो हम लोग एडजस्टमेंट भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये था पूरा अकाउंट्स के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, हर एक चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरह से समझी। वीडियो को अच्छी तरह से देखना, नहीं समझा रहेगा कुछ कंसेप्ट नहीं समझ रहेगा तो रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझेगा, गारंटीड समझेगा। और रनिंग नोट्स जितने बना सकते हो उतने बना लो, बिकॉज रनिंग नोट्स ही बाद में काम में आने वाले आपके। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, अगर आपका फायदा हुआ है तो उनका भी होना चाहिए। ओके, और आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, हैव अ नाइस टाइम।